हेलो दोस्तों, आप सभी लोग नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, ट्रायंगुलर सीरीज खेली जा रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है और देखिए आज पहला मुकाबला खेला गया पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कि उतना अच्छा फैसला नहीं रहा, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड्स होते हैं काफी छोटे ग्राउंड्स होते हैं और जो सेकंड बैटिंग एडवांटेज तो होता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी टीम उस दर्जे की टीम नहीं है जो एडवांटेज उठा सके। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही, बाबर आजम फिर से आज फेल हुए और स्कोर नहीं बना पाए, 25 गेंदों में मात्र 22 रन बना पाए। आज मोहम्मद इकबाल फिर से जो पाकिस्तान की बैटिंग की नैया है उसको पार लगाने में कामयाब हुए और 56 गेंदों 72 रन बनाए, करीब 156 के स्ट्राइक, 2 छक्के 2 छक्के 7 चौके लगाए, जिसकी वजह से हुसैन मसूद के 31 रन की वजह से जो पाकिस्तान की स्कोर 167 5 रन बनाने में कामयाब हुई। मुस्तफिर रहमान ने काफी रन पड़े, 46 रन दिए। बाकी तस्कीन अहमद अच्छी बॉलिंग के 25 रन दिया। बाकी देखिए आज बाकी और पाकिस्तान को बल्लेबाज चल नहीं पाया, चाहे वो आसिफ अली हो गए, चाहे वो इफ्तिकार अहमद हो गए, चाहे वो हैदर अली हो गए। साद मसूद ने जरूर 31 रन की पारी खेली और महत्वपूर्ण पारी थी, क्योंकि टोटल कम थे उसमें, उसके हिसाब देखा जाए तो अच्छी पारी थी। 167 में अगर आप 31 रन का योगदान देते हैं अपनी टीम को तो अच्छी चीज है ये। साद मसूद ने अच्छा किया है आज, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाबर आजम फेल हुए उसके बाद जिस तरह से आकर बैटिंग संभालना अपने आप बड़ी बात। खासकर रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और रिजवान जिस कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाता है वो लाजवाब है। एक दो मैच जरूर फेल होता है उसके बाद फिर वही 50 मारता है, उसके बाद फिर वही 50 मारता है, तो ये चीज देखने को मिला है मोहम्मद रिजवान से। और आज रिजवान जिस तरह से पाकिस्तान के नैया पार लगाई है वो कमाल की, हैट्स ऑफ मोहम्मद रिजवान। जब बैटिंग करने आई देखिए बांग्लादेश की टीम, आपको पता है कि देखिए बांग्लादेश की टीम में वो चार नहीं रह गया, वो फाइट करने की स्पीड नहीं रहेगी, जो पहले एशिया की बहुत फाइटिंग टीम मानी जाती किसी भी टीम को डेंट पहुंचा सकती थी बांग्लादेश की ऐसी खासियत थी, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रही है। चाहे वो पॉलिटिक्स का मसला हो, चाहे उनकी जो बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन का मामला हो, क्या प्लेयर का आपस में मामला हो क्या मामला, वो तो हमको नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये कुछ ना कुछ मामला है जिसकी वजह से जो 11 प्लेयर एकजुट होकर नहीं खेले, बॉन्ड बना के नहीं खेले, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। ऊपर से देखिए आज जिस तरह से बैटिंग अप्रोच किया है वो देखने लायक बिल्कुल नहीं था स्टार्टिंग, क्योंकि लिप्टन दास ने कुछ अच्छी पारियां खेलने की संभावना लगाई। लिप्टन दास इसमें T20 में वापसी कर रहा है इसमें, क्योंकि टेस्ट मैच में बहुत कमाल की कई पारियां खेली, न्यूजीलैंड की हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तक मारा, इंडिया के खिलाफ भी यहाँ पाया था अच्छी पारी की, कुछ अच्छी पारियां देखने मिली खेलते हुए, तो लिप्टन दास को आप लिप्टन दास की वजह से थोड़ी बहुत इज्जत रह गई, अदरवाइज जो बांग्लादेश की टीम थी वो बहुत ही नीचे धराम से गिरी हुई थी। ऊपर से कोई रन नहीं बना पाया, उसके बाद देखिए उनके जो कप्तान रूरल है वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए हफीफ हुसैन हो गए, चाहे मोसादक हुसैन हो गए, कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया, तो लिप्टन दास के अलावा कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया, चाहे वो कोई भी बल्लेबाज हो। लेकिन ये थोड़ा सा कंसर्न है बांग्लादेश की टीम की, क्योंकि एशिया की अच्छी टीम मानी जाती थी, एशिया की वो एक स्पीड वाली टीम मानी जो फाइट पुट अप करके देती थी अपनी टीम को, अपोजिशन को हमेशा एक सस्पेंस रखती थी कि बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है, तो ये चीज तो अब देखने नहीं मिली। एशिया कप में जिस तरह परफॉर्मेंस रही बहुत ज्यादा नीचे एवरेज परफॉर्मेंस रही, आज फिर वही करके दिखाया, क्योंकि 169 में चेस होने चाहिए थे, कुछ खास रन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने चेस नहीं कर पाया, बांग्लादेश की टीम चेस नहीं कर पाई, तो ये थोड़ा सा मसला है। काफी बॉलिंग बहुत अच्छी किया पाकिस्तान की टीम ने, चाहे वो मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, चाहे ऊपर से नवाज ने 4/25 रन 2 विकेट लिया, सद्दाब खान ने 4/30 रन 1 विकेट लिया, हरीश रॉक अच्छी बॉलिंग करते ही हैं, उसके बाद शाहनवाज धानी अच्छी बॉलिंग की, तो बॉलिंग तो सभी अच्छी की, 5 बॉलर यहाँ जूझ हुए और 5 बॉलर अपना कारगरी दिखाई है, जिसके बाद पाकिस्तान मुकाबले में जीतने में कामयाब, क्योंकि टोटल बहुत बड़ा नहीं था और न्यूजीलैंड की जिस तरह ग्राउंड पिचेस काफी छोटी पिच होती, जो बाउंड्रीज काफी कम डिस्टेंस की बाउंड्री होती है, तो वहां चौके छक्के जाल लगते हैं, लेकिन बॉलिंग की वजह से जीता है और रिजवान की जो 50 मारा है उसकी वजह से जीता है पाकिस्तान। तो उसी उम्मीद से मिलते हैं वीडियो, सो अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस किए, सो अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।